8.5 किलोवाट का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ज़ूनिक का डायमंड सीरीज में पीवी 10,000 है, जिसके साथ आप 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और कम से कम आप 580 वाट के 3 सोलर पैनल से भी अपना सिस्टम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ चला सकते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके तकरीबन 3 से 4 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चलाने की सलाहियत रखता है। डुअल पीवी इनपुट और डुअल आउटपुट के साथ आता है। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। नहीं लगाना चाहते बगैर बैटरीज भी आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को सोलर के ऊपर डायरेक्ट चला सकते हैं। मजे की बात ये कि आप इस और हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग करके वापडा को ग्रिड फीड कर सकते हैं। इजाफी बच जाने वाली बिजली वापडा को सेल करके रात को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इससे आपके बिजली का बिल सिफर हो सकता है। आज की इस वीडियो में ज़ूनिक डायमंड सीरीज पीवी 10,000 8.5 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर की कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो पहले इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें टोटल स्पेसिफिकेशन बताई हुई है और उसी के साथ साथ कैसे आपने इसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन सी मेन सेटिंग्स करनी है और कौन से मेजर फॉल्ट इसके अंदर आते हैं जो कि आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बता रहा हूँ, काइंडली इसको कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, ज़ूनिक का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 8.5 किलोवाट का ज़ूनिक की फेमस तरीन सीरीज डायमंड सीरीज का है। इससे पहले कोई भी कंपनी आपको इस डिजाइन में या इस सीरीज में हाइब्रिड इन्वर्टर्स प्रोवाइड नहीं कर रही। दूसरा ये कि इसके अंदर डुअल पीवी इनपुट है और डुअल ही एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है और डुअल ही आउटपुट दी जा रही है। और जो डुअल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 5,000 वाट का है। और अगर आपके पास मुख्तलिफ वाट्स के सोलर पैनल्स मौजूद हैं, यानी कि एक आपके पास स्ट्रिंग 450 वाट की है और दूसरी स्ट्रिंग आप नए सोलर पैनल्स यानी कि 580 585 वाट के सोलर पैनल्स के साथ बनाना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर बिल्ट इन दिए गए हैं। और डुअल आउटपुट होने की वजह से आप रात के टाइम बैटरी बैकअप को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि रात के टाइम लाइट जाएगी तो हैवी लोड आपका बंद हो जाएगा, बैटरीज को इस्तेमाल नहीं करेगा और पंखे लाइटें या इन्वर्टर फ्रिज अगर आपने लाइट लोड के ऊपर लगाई हुई है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोलर के मुतालिक मालूमात रेगुलर हासिल करना चाहते हैं तो अगर आप चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। ज़ूनिक का डायमंड सीरीज पीवी 10,000 8.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है, जिसके ऊपर आप तकरीबन 17,000 वाट तक का सर्ज लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अगर आपका लोड 17,000 वाट के ऊपर चला जाता है तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर इजीली बेयर कर लेगा। डुअल आउटपुट में मेन आउटपुट के ऊपर आप 8.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और सेकंड जो कि लाइट लोड वाली आउटपुट है उसके ऊपर आप तकरीबन 2833 वाट का लोड इजीली चला सकते हैं। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी से आप लगाएंगे। लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं, इसके अंदर कम्युनिकेशन पोर्ट मौजूद है, BMS मौजूद है, तो आप लिथियम आयन बैटरी एक ही 48 वोल्ट की लगा सकते हैं। नो मैटर कितने एम्पीयर आर की लगानी, 100 एम्पीयर आर की लगानी, 200 एम्पीयर आर की लगानी, कोई मसला नहीं है। नहीं लगाना चाहते विदाउट बैटरी भी आप सोलर के ऊपर डायरेक्ट अपना लोड चला सकते हैं। सोलर सेक्शन की बात कर लीजिए तो इसके अंदर डबल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है और डुअल ही पीवी इनपुट दी गई है। इसके अंदर टोटल 10,000 वाट तक का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जो कि 5,000 वाट के 2 बनते हैं, जो कि आपकी बैटरी को 160 एम्पीयर के साथ चार्ज कर सकता है। पीवी इनपुट के ऊपर मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट है और ओपन सर्किट वोल्ट 120 वोल्ट है और मैक्सिमम 450 वोल्ट डीसी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है और 500 वोल्ट डीसी ओपन सर्किट वोल्टेज रेंज है। और इसके अंदर डुअल पीवी इनपुट है तो एक टाइम में एक पीवी इनपुट के ऊपर आप 27 एम्पीयर का करंट दे सकते हैं और अगर आपने दोनों पीवी इनपुट इस्तेमाल करनी है तो तकरीबन 36 एम्पीयर दोनों के ऊपर एक ही टाइम पर दे सकते हैं, यानी कि 18 एम्पीयर एक पीवी इनपुट के ऊपर और 18 एम्पीयर दूसरी पीवी इनपुट के ऊपर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट डीसी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मिनिमम 3 सोलर पैनल 550 वाट के या 570 वाट के अगर लगाना चाहते हैं उसके ऊपर अपना लोड चलाना चाहते हैं वो आप चला सकते हैं। और मैक्सिमम 450 वोल्ट डीसी है, डुअल पीवी इनपुट है, तो आप 10-10 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, मतलब कि आप 550 वाट या 580 वाट के
मैक्सिमम 20 सोलर पैनल लगा सकते हैं। बात कर लीजिए मैक्सिमम लोड की, तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम 4 डेटन के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं। अगर आपने 1 से 2 डेटन के इन्वर्टर एसी चलाए हैं तो पूरे घर का लोड, जिसमें कि वाटर पंप है, इसरी, ओवन, लाइटें, पंखे, बिला झिझक चला सकते हैं। हो सकता है कि तमाम लोड चलाने के बाद भी आपकी बच जाने वाली इजाफी बिजली वापदा को ग्रिड फिट हो जाए। अगर आपने अपने सोलर सिस्टम में इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है तो कुछ सेफ्टी के लिए ब्रेकर्स वगैरह लाजमी लगाए, जिसमें कि एक सोलर का ब्रेकर होता है जो कि आप तकरीबन 63 एम्पेयर का प्योर डीसी वाला इस्तेमाल करेंगे, एसी वाला ब्रेकर नहीं लगाएंगे। अगर आपने डुअल पीवी इनपुट दोनों इस्तेमाल करनी है तो आपके 2 63 एम्पेयर के ब्रेकर्स होंगे, या 32 एम्पेयर के भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सेटिंग्स को देख लें तो भाई मेन सेटिंग में एक तो इसकी सोलर प्रायोरिटी है जो कि फर्स्ट नंबर के ऊपर है। अगर आपने सोलर को फर्स्ट रखना है तो SUB रखेंगे, और अगर आपने फर्स्ट के ऊपर सोलर, सेकंड के ऊपर बैटरी, थर्ड के ऊपर वापडा को रखना है तो SBU सेटिंग कर लेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर इसकी सोलर से बैटरी चार्जिंग है, वो आप तकरीबन 140-160 एम्पीयर तक इजीली कर सकते हैं। और 11 नंबर वाली सेटिंग वापडा से बैटरी चार्जिंग की है। अगर आपने वापडा से अपनी बैटरी को चार्ज करना है रात के टाइम तो आप इसके 140 एम्पीयर तक जो एम्पीयर्स हैं वो बैटरी के सेट कर सकते हैं, और रात में भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैटरी की चार्जिंग प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। अगर आपने वापडा एंड सोलर दोनों से बैटरी को चार्ज करना है तो SNU कर देंगे। अगर आपने दिन के टाइम सोलर और रात के टाइम वापडा से बैटरी को चार्ज करना है तो CSO कर दें। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो OSO कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग कर ली है, ग्रिड फीडिंग करनी है, तो 37 नंबर वाली सेटिंग को आप जो कि डिफॉल्ट ऑफ होती है उसे हाइब्रिड के ऊपर कर देंगे, और उसके नेक्स्ट 38 नंबर वाली सेटिंग के ऊपर वापडा को कितने अम्पेयर के साथ आपने ग्रिड फीडिंग करनी है वो अम्पेयर सेट कर सकते हैं इजीली। 41 से 42 नंबर वाली सेटिंग आपकी डुअल आउटपुट की सेटिंग होती है, जिसमें कि आप एक तो पहले डुअल आउटपुट को ऑन करेंगे, फिर रात के टाइम जैसे ही लाइट जाएगी आपके मेन लोड बंद हो जाएगा। वो बंद कब होगा? नेक्स्ट के ऊपर एक सेटिंग है वोल्टेज सेटिंग, तो आपने बैटरी के वोल्टेज को सेट कर देना है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर आ जाए कि आपका मेन लोड बंद हो जाए और लाइट लोड आपका चलता रहे। फॉल्ट्स की बात कर लें तो कॉमन फॉल्ट जो है वो फैन लॉक का आ जाता है, और दूसरा आपका ओवरलोड का फॉल्ट आ जाता है। तो आप इन फॉल्ट्स को दूर करने के लिए आपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को एक दफा ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ कैसे करना है कि आप सोलर को भी बंद, पहले सोलर को बंद करेंगे, फिर आप अपनी वापडा को बंद करेंगे, नेक्स्ट आप अपनी बैटरी को बंद करेंगे। फिर जब आपने ऑन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बैटरी को ऑन करके इन्वर्टर को ऑन कर लेंगे, देन आप अपनी सोलर को ऑन करेंगे, सोलर से लोड चल जाएगा, उसके बाद अपनी वापडा को अगर ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्राइस की बात कर लें तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की इस टाइम जो प्राइस है वो तकरीबन 3,10,000 रुपया है। अगर आप ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे हमारा ताल्लुक मुल्तान से है, और पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी मौजूद है आपको होम डिलीवरी की सर्विस दे दी जाएगी। तमाम ऑर्डर एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हमारे पास मौजूद नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।